वेलकम बैक गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश कोर्स अ फेलो ट्रैवलर। अ फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री। हिंदी में एक पाठ का शीर्षक है एक सहयात्री, इंग्लिश अ फेलो ट्रैवलर। दिस चैप्टर हैव बीन ऑथर्ड बाय एजी गार्डनर। द फुल नेम ऑफ द ऑथर इज अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई माई बेस्ट टू टेल यू अबाउट द ऑथर प्रोफाइल। लेखक के बारे में थोड़ा जान लें। द ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड ऑथर अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर वॉज बॉर्न इन चैम्फोर्ड, द काउंटी टाउन ऑफ एसेक्स इन द ईस्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के उत्तरी क्षेत्र में एसेक्स नामक शहर के चैम्फोर्ड नामक स्थान पर अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर का जन्म हुआ था। ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एसेट्स ऑफ हिज टाइम। वह अपने समय के सबसे सुंदर निबंधकारों में एक थे। ही एसेज आर मार्क्ड विद ए नोट ऑफ प्लीजेंट ह्यूमर। गाइस, सबसे बड़ी बात है कि इस लेखक की जो भी रचनाएं हैं उसमें ह्यूमर है। ह्यूमर भी होता है फन। ह्यूमर फन मीन्स मनोरंजन, या आप कहेंगे हास परिहास। हास परिहास, आप इजी गार्डनर की रचनाओं में हास परिहास मिलेगा। आप यू विल गेट इंटरटेनमेंट 100%। बिसाइड्स डिस्क्राइबिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन ए प्लेफुल एंड ह्यूमरस टोन, गार्डनर कलर्स हिज एसेज विद अ मॉरलिस्टिक एंड डिडेक्टिक नोट। इसके बावजूद उनके वो आप अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जिनको एक खेल खेल में और हास्यास्पद मुद्रा में जो लिखे हैं, इसके अलावा भी उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने निबंधों में नैतिकता और शिक्षा भरा संदेश भी दिया है। द एसेज ऑफ गार्डनर आर फुल ऑफ मेनी डिटेल्ड एंड लाइफ लाइक डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर। उनके निबंध जो हैं बहुत ही विस्तृत रूप में और प्रकृति से जुड़े हुए वर्णनों को उन्होंने रखा है। हिज एसेज रिटन अंडर द पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लाउ। उनके निबंधों का निबंध संग्रह का जो नाम है वो अल्फा ऑफ द प्लाउ नाम से है, जो आर वेरी पॉपुलर, जो बहुत ही लोकप्रिय है। हिज यूनिकनेस लाइज इन हिज एबिलिटी टू टीच द बेसिक ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो भी अपनी रचनाओं में अद्वितीय अपनी छाप छोड़ी है वह जीवन की आधारभूत सच्चाइयों को रखा है, जिसे उन्होंने इन एन इजी एंड अम्यूजिंग मैनर, जिसमें उन्होंने एक सरल और आनंददायी तौर तरीका अख्तियार किया है। तो आइए हम अफेलो ट्रैवलर के बारे में थोड़ा इसकी सिनॉप्सिस या विषय वस्तु को जान लेते हैं। अ फेलो ट्रैवलर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बड़ा ही रोचक पाठ है। इट इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड फन। ये बिल्कुल हास परिहास और मनोरंजन से भरा हुआ है। इन ही ऐसे अपने इस निबंध में अ फेलो ट्रैवलर एक सहयात्री में गार्डनर नरेट्स। गार्डनर जी वर्णन करते हैं हिज इनकाउंटर। इनकाउंटर मीन्स होता है मुठभेड़। इनकाउंटर मुठभेड़। इनकी रचना में इन्होंने अपना एक मुठभेड़ का दृश्य दिया है विद अ मॉस्किटो ऑन रेलवे जर्नी। रेल यात्रा में उन्होंने एक मच्छर के साथ अपनी मुठभेड़ प्रदर्शित की है, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग एंड
फुल ऑफ इंजॉयमेंट, ये बड़ी ही रोचक और मनोरंजन से भरी हुई है। वन डे गार्डनर ट्रेवल्ड बाई द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन, एक दिन गार्डनर जी लंदन से अंतिम छूटने वाली रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। इनिशियली इट वॉज फुल, प्रारंभ में ये बिल्कुल भरी थी, बट आफ्टर अ फ्यू स्टेशंस, इसके बाद कुछ स्टेशनों के बाद द आथर रिमेन्ड अलोन इन हिज कैरिज, लेखक उस अपने रेलवे की रेलगाड़ी के डिब्बे में अपने को अकेला देखा, अकेला महसूस किया, ही वॉज ऑल अलोन इन हिज कैरिज, कि वो उस डिब्बे में बिल्कुल अकेला था। ही लिट अ सिगरेट एंड बिगन टू रीड हिज न्यूज़पेपर, उसने सिगरेट जलाई एंड बिगन टू रीड हिज न्यूज़पेपर, और उसने अखबार पढ़ना शुरू किया। सडनली ही बिकेम अवेयर ऑफ अ फेलो ट्रेवलर, अचानक उसे यह एहसास हुआ उसका एक सहयात्री भी है। इट वॉज अ मॉस्किटो व्हिच सैट ऑन हिज नोज, यह एक मच्छर था जो उसकी नाक पर आकर बैठ गया। ही ड्रॉप इट ऑफ, उसने इसे उड़ाने का भी काम किया। इट फ्लू राउंड द कंपार्टमेंट एंड सैट ऑन द आथर्स नेक, यह जो है डिब्बे से घूमता हुआ उड़ा और पुनः सैट ऑन द आथर्स नेक, और पुनः वो उसकी आकर गर्दन पर बैठ गया। अर्थात ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ड्राइव द मॉस्किटो ऑफ अगेन एंड अगेन, उसने मच्छर को बार बार उड़ाने का प्रयास किया और वो मच्छर उड़ता और कुछ समय पश्चात उसकी नाक पर आकर बैठ जाता। इट हैड अनदर मेरी गो राउंड एंड सेट ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, और यह जैसे लगता था कि चरखी वाला झूला झूलता हुआ दिखता है, सेम उसी प्रकार वो मच्छर उस डिब्बे के अंदर झूलता हुआ घूमता हुआ आया और उसकी फिर उसके हाथ पर बैठ गया। ही गॉट इरिटेटेड, वो चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा आ गई। ही डिसाइडेड टू किल इट, वो इसे मारने का प्रयास निश्चय किया, बट ही फेल्ट हेल्पलेस एंड फूलिश, लेकिन वह स्वयं को निसहाय और मूर्ख समझने लगा। देन द ऑथर हैड अ स्ट्रेंज रियलाइजेशन अबाउट द मॉस्किटो, और तब लेखक के मस्तिष्क में एक अजीब एहसास मच्छर के प्रति उठा। ही डेवलप्ड फ्रेंडली फीलिंग्स टुवर्ड्स इट, उसने इसके साथ अपने उस मित्रवत अनुभवों को देखा एज ए फेलो ट्रेवलर, एक सहयात्री के रूप में, एज मॉर्टल क्रिएचर्स, जिस प्रकार से नश्वर प्राणी संसार में होते हैं। बोथ डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दियर जर्नी, जिन्हें दोनों को अपनी यात्रा के बारे में कुछ ही पता नहीं होता। दस गार्डनर लॉस्ट हिमसेल्फ इन फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन अबाउट द जर्नी ऑफ लाइफ, इस प्रकार गार्डनर जी जर्नी ऑफ लाइफ, उस जीवन की यात्रा को लेकर कि मानव जीवन एक यात्रा है, इसमें जितने भी जीव हैं वो आते हैं, यात्रा करते हैं, गति करते हैं, और एक समय ऐसा होता है कि वो यहाँ से बिताकर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो उसके मस्तिष्क में यह एक दार्शनिकता भरा हुआ दार्शनिक भाव जगा, जिसने उस मच्छर के साथ मानवीयता और नैतिकता का संदेश देने का प्रयास किया। तो आज हम इस पाठ के सिनॉप्सिस के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।